हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ स्ट्रीट स्टाइल भुट्टा, जो कि हम जब रोड में जो ठेले वाले बैठते हैं भुट्टा लेकर, उसी तरह से हम बनाएंगे घर पे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 5 भुट्टे लिया है भुट्टा। तो यहाँ पर मैं आपको 4 दिखा रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर में मैं आपको दिखा दूंगी। पहले तो हमें इसका ऊपर का जो कुछ लेयर्स है हमको निकाल देना है, बहुत सारे मैंने सभी नहीं निकालना है, बस कुछ ही लेयर्स हमको निकालना है। तो इस तरह से निकालने के बाद में फिर हम सभी का निकाल देंगे। तो इस तरह से मैंने सभी भुट्टों का निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 5 है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, आप जब चेक करेंगे ना भुट्टा लेने का टाइम पे, तो आपको कैसे पता चलेगा ये फ्रेश है। इस तरह से करके आपको नाखून, जो आपका नाखून होता है ना, उससे आपको प्रेस करना है भुट्टे के ऊपर। तो उसमें से ना जूस निकलेगा बाहर, जूस या दूध जो भी बोलते हैं हम लोग, तो दूध बोलते हैं उसको, वो निकलता है। अगर वो निकला है तो इसका मतलब आपका भुट्टा फ्रेश है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है वैसा भुट्टा। तो मैंने भी वैसे ही चेक करके लेकर आया था, इसलिए मैंने सारे भुट्टे जो मेरे हैं ओपन है थोड़ा सा, तो मैं इस तरह से चेक करके लाती हूँ हमेशा। तो लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ मेरा चेक करके लाने का। चेक करके तो मैं लेकर आई, लेकिन सेम डे मैं इसे नहीं बना पाई, क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो गया था और 2 दिन मैं एकदम बेड में सो गई थी। मैं कुछ करने के हालत में नहीं थी। तो 2 दिन के बाद अभी मैं भुट्टे को बना रही हूँ। तो मैंने इस तरह से गैस जला कर गैस में इस तरह से भुट्टे को रख दिया है, और उसके जो भुट्टे का जो भी कवर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको नहीं मालूम, जो भी ऊपर का जो लेयर होते हैं, ये सभी जलना है, अच्छे से जला देना है हमें। तो सभी अच्छे से जल जाते हैं, जलने के बाद में हमारा भुट्टे भी पक जाते हैं। ऐसे अगर आप इसको जो है उसका लेयर्स निकाल के अगर आप करेंगे ना, तो वो भुट्टा कच्चा होता है, खाने में अच्छा नहीं लगेगा आपको। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे ना, तो आपका भुट्टा बिल्कुल परफेक्ट होता है और बहुत अच्छे से पका हुआ रहता है। तो इस तरह से मैंने सारे भुट्टे को कर लिया है, और थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा सा आपका किचन गंदा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको साफ किया जा सकता है बाद में। तो इस तरह से मैंने सारे भुट्टे जो हैं मैंने निकाल लिए हैं मेरे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे भुट्टा रेडी है। अब मैं थोड़ा सा मसाला इसका बनाऊंगी। नमक डाला है मैंने, लाल मिर्च का पाउडर और चाट मसाला। डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी हाथ से। मिक्स करने के बाद में हमने यहाँ पर पहले तो टिश्यू पेपर से थोड़ा सा जो भुट्टा है उसके ऊपर बस ऐसे रब कर देना है, ताकि है ना जो उसके ऊपर में थोड़े बहुत जो काला लगा हुआ रहता है वो सब निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर हाफ नींबू लिया है, और इस तरह से हमने भुट्टे में लगा लेना है इस तरह से, क्योंकि जब हम बाहर भी खाते हैं तो इसी तरह से ये लोग देते हैं हमें, भुट्टे वाले से जब हम खाते हैं तो भी वो लोग इसी तरह से देते हैं, तो हमको उसी तरह का चाहिए। तो इस तरह से हमने करना है, आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो इस तरह से हमने करने के बाद में गरम गरम भुट्टे आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। मैंने बस 2 में लगाया था, बाकी का इसमें नहीं लगाया। तो इस तरह से आप करके खा सकते हैं, और बाहर का जो मज़ा होता है आप घर पे ही ले सकते हैं। तो बारिश का मौसम भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।